सोनीपत से अगली खबर है, मस्जिद पर फहराया गया तिरंगा। मस्जिद पर सैकड़ों तिरंगे फहराए गए हैं। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने प्रण लिया, 75वें अमृत महोत्सव में सभी हिस्सा लेंगे, अपने घरों की छतों पर तिरंगा लगाएंगे, ऐसा प्रण लिया गया है। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद ये प्रण लिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सोनीपत से, जहां मस्जिद पर तिरंगा फहराया गया है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। नमाज के मौके के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया जाएगा और हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सोनीपत की मस्जिद की, जहां पर तिरंगा लगाया गया है, दर्जनों तिरंगा यहां पर लगाया गया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक अच्छी मिसाल पेश करते हुए ये प्रण लिया कि हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा। तो ये इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने घरों की छतों पर तिरंगा लगाने का प्रण हर देशवासी कर रहा है। और ये सोनीपत से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर यह आयोजन किया गया। सोनीपत की मस्जिद की तस्वीर है और नमाज अदा की गई, नमाज के ठीक बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने ये प्रण लिया। आज बड़ी खुशी हो रही है देश के अंदर कि 75वां यानी कि 75 साल हमारे देश को दो दिन के बाद होने जा रहे हैं और आज हर देश पूरे देश के अंदर हर छत के ऊपर ये तिरंगा नज़र आ रहा है, जो हमारे प्रदेश सरकार के प्रधानमंत्री जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में काम किया जा रहा है कि 20 करोड़ जनता जो है इसमें हिस्सा लें और पूरे हर एक की छत के ऊपर तिरंगा नज़र आना चाहिए। आज ये देश जो है पहल कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश आगे भी बढ़ रहा है और तरक्की भी कर रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से हर घर की पहचान तिरंगा, घर घर पहचान तिरंगा, भारत माता की जय। हम सब भाई भाई हैं, हमारा एक ही मकसद है, अगर पहचान है तिरंगा हमारा।